नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अक्सर किसान आंदोलन के अंदर कुछ इस तरीके के बैरिकेड्स देखे गए थे, लेकिन अब आपको बता देती हूं कि राजगुरु मार्केट के अंदर भी, जी हां, राजगुरु मार्केट के अंदर भी कुछ इस तरीके के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और ये बैरिकेड्स आखिरकार लगाए किस वजह से गए हैं ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक बार तस्वीरों के अंदर दिखा दूं कि किस तरीके से बैरिकेड्स इस बार हिसार की राजगुरु मार्केट के अंदर लग चुके हैं। और ये देखिए, हिसार पुलिस चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। बिल्कुल आपको बता देती हूँ कि हिसार पुलिस ने फोर व्हीलर्स का प्रवेश जो है राजगुरु मार्केट के अंदर से आज यानी कि 1 नवंबर से बंद कर दिया गया है। अब इस राजगुरु मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही पहिया वाहन जा सकते हैं, इसके अलावा 4 व्हीलर की एंट्री पूरे तौर से पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये इस तरीके के बैरिकेड्स यहाँ पर क्यों लगाए गए हैं। तो आपको बता देती हूँ कि जो आप लोग यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको बता देती हूँ बैरिकेड्स लगाने के पीछे का कारण क्या है। भाई ये देखिए, राजगुरु मार्केट की बात की जाए तो जगह कम है, लेकिन लोगों की कैपेसिटी ज्यादा है। लोगों की कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जगह नहीं बचती है किसी के भी पैर रखने की, जिस वजह से यहाँ पर बैरिकेड्स लगा करके रास्ता बंद कर दिया गया है। एक नागौरी गेट के ऊपर लगाया गया है बैरिकेड, इसके अलावा अगर आप आगे जाएंगे तो मदन कुल्फी वाले के पास एक और बैरिकेड लगाया गया है। ऐसे ही बैरिकेड जो है पूरे मार्केट के अंदर लगाए गए हैं। अब कहाँ से आपको जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी, लेकिन लगातार इसको शेयर करते रहिए। और पुलिस बल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या 3 पहिया वाहन की भी एंट्री दी जा रही है। ये देखिए, रिक्शा भी अभी गई है, 3 पहिया वाहन की एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा पूछने की कोशिश कर लेते हैं, सर मुझे ये बताइए दिवाली को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ प्रशासन की तरफ से की गई है। दिवाली की हमारा प्रशासन ने पूरी तरह से पूरे बाजार को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से जो बड़े व्हीकल आते हैं उनकी एंट्री बैन कर दी है। बाहर जो शहर से बाहर है थोड़ा, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पार्किंग बनाई है ताकि अपनी गाड़ी वहाँ पे सुरक्षित खड़ी कर सके और उनको कोई हानि ना हो। और अंदर जो चोरी की जो वारदातें होती हैं उनसे भी निपटने के लिए जगह जगह हर एक पॉइंट पे स्टाफ छोड़ दिया गया है उनकी निगरानी करने के लिए। ठीक है, आपको बता देते हैं कि अन्य पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर तहकीकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि PCR जो है वो भी तैनात की गई है, वो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी PCR तैनात की गई है। हालांकि अभी जो है कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। सर आप मुझे ये बताइए कि कितनी PCR जो है इस बार राजगुरु मार्केट के अंदर तैनात की गई है। PCR है जी, है DPT साहब लग रहे हैं, SI साहब लग रहे हैं, इंस्पेक्टर लग रहे हैं, सभी लग रहे हैं जी। अच्छा, सभी लग रहे हैं। और क्या कुछ तैयारियां जो है खास इस बार, मैंने देखा कि PCR जो है लगातार लोगों को अवेयर करते हुए दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है PCR की तरफ से? थाना बढ़िया है जी, सबसे अच्छा चल रहे, लोग बढ़िया रिस्पॉन्स है, बोले बढ़िया कर रखा है, नक लग रहे हैं, अंदर गाड़ियां नो एंट्री कर रखी है जी। ठीक है, आपको बता देते इस बार राजगुरु मार्केट के अंदर जो भी वाहन यहाँ से जा रहे हैं आवाजाही को ही कहीं ना कहीं प्रेफर किया जा रहा है। जो भी लोग खड़े हो जाते हैं उनको लगातार कहा जा रहा है कि राजगुरु मार्केट के अंदर एक लाइन में चलते रहिए, कहीं पर भी खड़े मत होइए। एक बार आपको दोबारा से ये लाइव तस्वीरें राजगुरु मार्केट की दिखाना चाहूंगी और आपको बता देते हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ पर इस बार जो है प्रतिबंध रहने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता देते कि राजगुरु मार्केट के ऊपर कहाँ कहाँ बैरिकेड्स लगे हैं। नागौरी गेट के ऊपर, मदान कुल्फी चौक के अंदर, पारिजात चौक के अंदर, पड़ाव चौक में, गुलाब सिंह यानी कि सिटी थाना रोड के ऊपर और वाल्मीकि चौक यानी कि कुल मिलाकर के इन 6 चौकों के ऊपर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के अक्सर लोगों के अंदर सवाल ये उठता है कि पार्किंग कहाँ पर बनाई गई है। तो राजगुरु मार्केट की पार्किंग के बारे में आपको बता देते हैं कि सबसे पहली पार्किंग जो है ग्रोवर मार्केट के अंदर बनाई गई है। जी हाँ, जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आगे चल करके इसी गुरुद्वारा रोड के पीछे की तरफ जो है ग्रोवर मार्केट है और ग्रोवर मार्केट के अंदर ही इस बार पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा दूसरी पार्किंग जो है पारिजात चौक के ऊपर बनाई गई है। तीसरी पार्किंग आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे सामने की तरफ, जो बिल्कुल सामने यहाँ पर ये चौक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसके साथ में पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा राजगुरु मार्केट के अंदर जो है पंजाब
धर्मशाला के सामने शिक्षा विभाग की तरफ से जगह दी गई है, जहां पर दुकानदारों के लिए पार्किंग बनाई है। सिटी थाना के सामने पार्किंग बनाई गई है और रेड स्क्वायर मार्केट में पार्किंग बनाई गई है। हालांकि पुलिस कहां कहां तैनात रहेंगी ये भी आपको बता देते हैं। राजगुरु मार्केट में रामचाट भंडार के सामने, बिश्नोई मार्केट के टी पॉइंट के सामने, तेलियान पुल के टी पॉइंट, पंजाबी धर्मशाला में, तेलियान मार्केट में पुलिस टीमें जो है तैनात रहेंगी। और अगर मार्केट में गश्त के साथ साथ ये पुलिस जो है घूमती रहेगी और कोई भी अगर असामाजिक तत्व पर भी नजर पड़ती है तो उसको उसी समय जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा और कोई भी अग्रिय घटना ना हो, इस वजह से पुलिस जो है लगातार राजगुरु मार्केट के अंदर तैनात और घूमती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या राजगुरु मार्केट की पार्किंग फेलियर है या फिर सही है। तो दिवाली और धनतेरस को लेकर शॉपिंग के लिए बाजार जाना है और वो भी अपने दुपहिया वाहन पर जाना है, तो आपको बता देते हैं कि दो पहिया वाहन पर ही आप लोग निकले, क्योंकि चार पहिया वाहन जो है राजगुरु मार्केट के अंदर बैन कर दिया गया है। कार से जाने की बजाय अपनी पार्किंग के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप लोग जो है दो पहिया वाहन से ही निकले। और आपको ये भी बता देते कि सेंट्रल पार्किंग में पीली पट्टी से बाहर वाहन लगे होने चाहिए और गांधी चौक और भगत सिंह चौक पर अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए वहां पर अपने व्हीकल्स ना लेकर के जाए। आर्य मोती और गुलाब सिंह चौक मार्केट में गलियां जो है बहुत कंजस्टेड एरिया है, एक ही गाड़ी लगा दी जाती है जिसकी वजह से जाम लग जाता है, इसीलिए आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि वहां पर भी आप लोग पार्किंग के लिए ना जाएं। चलिए आपको अंदर एक बार व्यवस्था दिखा देते हैं कि किस तरीके से राजगुरु मार्केट की व्यवस्था की गई है। और ये देखिए राजगुरु मार्केट की व्यवस्था मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर पार्किंग यहाँ पर बना दी गई है, छोटे छोटे वाहन जो है रोड को छोड़ करके दुकानों के सामने लगाए गए हैं। इसके अलावा ये जो नागौरी गेट की गली है जहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स उपलब्ध है, यहाँ पर लगातार जाम लगा रहता है। जाम में जाने से ही लगभग गली को क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाता है। और ये देखिए इस तरफ की अगर बात की जाए तो इस तरफ भी भारी जाम लग जाता है मार्केट में, क्योंकि भाई अगर बात की जाए मिठाइयों की तो मिठाइयाँ किसी से अछूती नहीं है त्यौहार के अंदर, और मिठाई खरीदने के लिए ही लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है। आगे भी आपको राजगुरु मार्केट से जुड़ी हुई दिवाली के ऊपर सारी अपडेट देती रहूँगी, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।